अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। आज हमारा लेक्चर है टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। इसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम जो कैलकुलेशन है वो डिफाइन करेंगे फॉर द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। लैम्डा जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन कहलाता है। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और ये जो इक्वेशन है फाइनल परटर्बड हैमिल्टोनियन की, ये भी हमने डिस्क्राइब की थी। तो आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन की थी कि एच जो है ये फाइनल परटर्बड हैमिल्टोनियन है, एच नॉट जो है ये अनपरटर्बड हैमिल्टोनियन है, और एच पी जो है ये परटर्बड हैमिल्टोनियन है, और लैम्डा जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन को डिफाइन करता है। अब हम इस स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन लैम्डा को हम फर्दर डिफाइन करेंगे कि इसकी जो ऑर्डर है वो हमें क्या रिजल्ट देता है। सो मोर ओवर एज द सिस्टम इज नॉन डिजनरेट, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, नॉन डिजनरेट, तो इसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन और एनर्जी की जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉन डिजनरेट है तो हमारे पास वेव फंक्शन की अलग वैल्यूज आएंगी, दिस इज साई एन जीरो, साई एन वन एंड साई एन टू एंड सो ऑन, साई एन थ्री, और हर एक वेव फंक्शन के लिए हमारे पास एनर्जी की अलग वैल्यू आएगी। क्योंकि ये नॉन डिजनरेट है तो इसलिए हम जो टोटल वेव फंक्शन और एनर्जी होंगे हम उनको एक nth ऑर्डर की सीरीज में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर वेव फंक्शन के लिए अलग एनर्जी की वैल्यू आनी है। तो यहाँ जो साई एन है, दिस गेट साई एन, दिस इज बेसिकली द टोटल परटर्ब्ड आइगन स्टेट। आप इसको कह सकते हैं कि ये टोटल परटर्ब्ड आइगन स्टेट है, जो कि इक्वल होता है अनपरटर्ब्ड आइगन स्टेट विच इज साई एन जीरो। ये हमने पढ़ा था कि ये अनपरटर्ब्ड यानी कि डिस्टर्ब होने से पहले सिस्टम की जो आइगन स्टेट थी वो ये साई थी, प्लस साई एन वन विच इज द परटर्ब्ड आइगन स्टेट बट इट इज द फर्स्ट परटर्ब्ड आइगन स्टेट। तो इसलिए लैम्डा वन आया है, लैम्डा जीरो था, लैम्डा जीरो में नो परटर्बेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लैम्डा वन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन आ गई, फिर नेक्स्ट में लैम्डा टू और साई एन टू होगा तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ लैम्डा आ गया, और ये सेकंड ऑर्डर ऑफ परटर्ब्ड आइगन स्टेट आ गई, ठीक है। इसी तरह से टोटल एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ द अनपरटर्ब्ड आइगन एनर्जी एंड द परटर्ब्ड आइगन एनर्जी। अब ये ई एन वन, ई एन टू, ई एन थ्री, ये सारे अनपरटर्ब्ड, सॉरी, ये परटर्ब्ड आइगन एनर्जीज हैं, और ये ई एन जीरो ये अनपरटर्ब्ड है, तो ये परटर्ब्ड और अनपरटर्ब्ड का कॉम्बिनेशन होगा, ये परटर्ब्ड और अनपरटर्ब्ड बहुत यूज करेंगे, सो डोंट कंफ्यूज। अनपरटर्ब्ड मीन जब सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हुआ, और उसमें हमेशा हमारे पास ये दो वैल्यूज होंगी, साई एन जीरो और ई एन जीरो, मीन्स जीरो मीन जीरो ऑर्डर या जीरो परटर्बेशन, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं अनपरटर्ब्ड कि ये डिस्टर्ब नहीं हुआ हुआ, और इसके बाद ये जो सारी क्वांटिटीज हैं ये सारी परटर्ब्ड कहलाएंगी, जिसमें ऑर्डर वन होगा या टू होगा या थ्री होगा एंड सो ऑन। तो हमारा असल पर्पस ही इस पोर्शन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो परटर्ब्ड हुआ, जो डिस्टर्ब हुआ सिस्टम में, जो डिस्टर्बेंस आई, हमने उसको कैलकुलेट करना है कि डिस्टर्ब होने के बाद सिस्टम की आइगन फंक्शन की क्या वैल्यूज थी और आइगन एनर्जी की क्या वैल्यू थी। जब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, साई एन वन, साई एन टू, ई एन वन, ई एन टू, हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास ये बेसिकली जो फाइनल साई एन है और ई एन है ये हमारे पास आ जाएगा सिस्टम का। तो बेसिकली आफ्टर परटर्बेशन जो सिस्टम की फाइनल जो आइगन स्टेट और आइगन एनर्जी है वो साई एन और ई एन है, लेकिन इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये अनपरटर्ब्ड प्लस जो भी परटर्ब्ड होंगी वैल्यूज इनको कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और एक चीज जो कि लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन की गई थी कि जो अनपरटर्ब्ड वैल्यूज होती हैं दे आर ऑलरेडी नोन टू अस,
ठीक है, इनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता होती हैं, ओके। सो दीज वैल्यूज आर ऑलरेडी नोन टू अस, और ये हमने फाइंड करनी है, दिस पोर्शन विल बी कैलकुलेटेड। तो अब जो हमारे पास फाइनल जो पर्टर्ब श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर इक्वेशन आफ्टर पर्टर्बेशन जो होगी, वो एच, एच क्या था जी हमारे पास, एच वाज दिस वैल्यू द टोटल पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इनटू साई एन, साई एन क्या है जी हमारे पास, साई एन हमारे पास ये जो टोटल पर्टर्ब्ड आइगन स्टेट है, और ई एन जो है ये हमारे पास टोटल पर्टर्ब्ड आइगन इनर्जी है। तो ये जब हम सारी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो पर्टर्ब श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी वो ये होगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में साई एन और ई एन की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो पर्टर्ब श्रोडिंगर इक्वेशन ये है हमारे पास। अब यहां साई एन की जो है वो वैल्यू, पहले एच की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया जी। सो इसके बाद हमारे पास साई एन है, तो ये कंप्लीट उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद ई एन है, तो ये सारी यहां तक ये ई एन की वैल्यू आ गई, और अगेन साई एन है, तो ये सारी साई एन की वैल्यू आ गई। सो दिस इज अवर श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी। अब हमने क्या करना है, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ लैम्डा चलना है। तो लैम्डा का ऑर्डर शुरू होता है जीरो से। अब हम इनमें हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। पहले हम लैम्डा जीरो कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही लैम्डा जीरो की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी हम अपने मल्टीप्लिकेशन को वहां रोक देंगे, और फिर बाद में हम उस लैम्डा के ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। तो ये पहले ये टर्म है एच नॉट, तो ये जाके मल्टीप्लाई होगी लैम्डा नॉट साई एन नॉट से, तो ये आपके पास आंसर आ गया एच नॉट, और ये जो साई एन नॉट या जीरो था ये आ गया, और लैम्डा जीरो जो था वो उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर करके लिख दिया, ठीक हो गया जी। प्लस अब अगेन एच नॉट ने मल्टीप्लाई होना है लैम्डा वन के साथ, लेकिन लैम्डा वन ऑर्डर तक हमने नहीं जाना, हमने कहां रहना है अभी लैम्डा जीरो तक। तो हम इस टर्म एच नॉट को लैम्डा वन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आ जाएगी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जो है लैम्डा वो ऑटोमेटिकली हम कंसीडर करेंगे विच इज वन, कुछ नहीं है पावर तो ऑफकोर्स वन तो होगी। सो लैम्डा की पावर वन अगर है तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन प्लस जीरो, पावर आपस में ऐड होती है तो ये वन आ जाएगा। तो जो एच पी वाली टर्म है वो भी इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती किसी भी टर्म से, क्योंकि जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की पावर वन है तो वो जीरो से एक्सीड कर जाएगी। हमने अभी सिर्फ लैम्डा जीरो वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जस्ट ये वाली टर्म आएगी, फिर हम लिखेंगे प्लस। अब हमने लैम्डा वन वाली टर्म्स को कैलकुलेट करना है जस्ट, तो हम अगेन एच नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हमारे पास लैम्डा जीरो है, हम इस टर्म को नहीं ले सकते, फिर हम एच नॉट को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एच नॉट जो है वो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये लैम्डा वन एज इट इज आ जाएगा कॉमन, और एच नॉट और यहाँ वेव फंक्शन आ जाएगा साई एन वन, तो ये देखें ये लिखा हुआ है एच नॉट साई एन वन, तो ये इस टर्म से आ जाएगा। फिर हम एच पी और साई एन जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमारे पास लैम्डा की वन आएगी पावर, तो हम लैम्डा वन कॉमन ले लेंगे, और प्लस हमारे साथ क्या आ जाएगा एच पी, ये एच पी की वैल्यू आ गई, और साई एन जीरो, ये फर्स्ट टर्म का साई एन जीरो आ गया। तो ये दो टर्म्स हमें मिली लैम्डा वन के मल्टीप्लिकेशन से। अब इससे आगे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस लैम्डा वन को अगली टर्म से, तो ये लैम्डा टू हो जाएगा, मींस लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन, ये पावर्स ऐड होंगी, तो वो टू वाली टर्म हमें नहीं चाहिए, हम यहीं पर अपने लैम्डा वन की कैलकुलेशन को स्टॉप कर देंगे, फिर हम प्लस लिखेंगे और अब हम अगली टर्म के लिए जाएंगे। अब हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इससे which is lambda 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा एच नॉट इंटू साई एन टू, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म एच नॉट साई एन टू। फिर हम फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा लैम्डा 1, लैम्डा 1 तो नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए लैम्डा 2 वाली वैल्यूज। फिर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा 1 वाली टर्म से, तो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 1 ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एच पी इंटू साई एन 1, तो ये एच पी इंटू साई एन 1 की वैल्यू आ गई। और लैम्डा 1 और लैम्डा 1 ये पावर्स आपस में ऐड होंगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये लैम्डा 2 जो हमने कॉमन लिख लिया। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड देन इक्वल टू ये आ गया। इसी तरह से हम इन दो को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको आप खुद देख लीजिएगा, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, बट सेम मेथड अप्लाई करना है, लैम्डा 0 कैलकुलेट करना है, फिर लैम्डा 1 कैलकुलेट करना है, फिर लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है। जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड लैम्डा से वैल्यू नेक्स्ट जाए आप उससे आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उसको। तो अब हम लैम्डा 0, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज को ना दोनों इक्वेशन की दोनों साइड से कंपेयर करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो लैम्डा 0 है उसकी जो वैल्यू है वो है एच नॉट साई एन 0, और इक्वेशन की राइट साइड पर हमारे पास जो लैम्डा 0 है उसकी वैल्यू है ई एन 0 साई एन 0। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को लैम्डा 0 को कंपेयर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है ये वाली इक्वेशन, ठीक है जी। सो जीरोथ ऑर्डर ऑफ लैम्डा जो है वो हमारे पास एच नॉट साई एन 0 और ई एन 0 साई एन 0 आएगा। उसके बाद जब हम लैम्डा 1 वाली टर्म्स को कंपेयर करें इक्वेशन के दोनों तरफ, तो लैम्डा 1 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो लेफ्ट साइड पर है एच नॉट साई एन 1 एंड एच पी साई एन 0, और इस साइड पर हमारे पास लैम्डा 1 की ये इक्वेशन है ई एन 0 साई एन 1 प्लस ई एन 1 साई एन 0। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा आएगा, मींस लैम्डा की पावर 1 या लैम्डा की पावर ये 0 है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। लेफ्ट साइड पर ये वाली टर्म बचती है लैम्डा 1 के साथ, और राइट साइड पर लैम्डा 1 के साथ ये वाली टर्म बचती है। इसी तरह से लैम्डा 2 को भी हम कंपेयर कर लेंगे, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन राइट साइड पर हमारे पास तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये हम जब सेकंड ऑर्डर ऑफ लैम्डा को कंपेयर करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो ये है जी ऑर्डर ऑफ लैम्डा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। अब इसमें देखें कि जो जीरो ऑर्डर ऑफ लैम्डा है, अगेन अगर आप इस इक्वेशन को रिवाइज करें तो ये बेसिकली अनपर्टर्ब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो कि हमने अपने सेकंड लेक्चर में डिस्कस की थी इस चैप्टर के। सो इस इक्वेशन को हम जो है वो नेक्स्ट यूज करेंगे डायरेक्टली, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सीरीज है इसमें जो हायर टर्म्स हैं, मीन्स लैम्डा 3 वाली टर्म्स, ये जो हमने मेंशन की हुई हैं, हम इनको इग्नोर करेंगे कि इनकी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होती आपकी पर्टर्बेशन में। जो फर्स्ट इनिशियल टू ऑर्डर ऑफ लैम्डा हैं, ये आपको मैक्सिमम पर्टर्बेशन की वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो इसलिए हमें हायर ऑर्डर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एंड इनफैक्ट वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो फर्स्ट टू ऑर्डर तक भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे जो पर्टर्बेशन का जो पर्पज है अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करने का, वो इन्हीं से ही कंप्लीट हो जाता है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लैम्डा 1 से स्टार्ट करेंगे, और हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम अपने जो है साई एन 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ई एन 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन की मदद से, ठीक हो गया जी। सो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपको बताता चलूं, याद रखने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एच नॉट है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, तो इसके साथ जो आइगन स्टेट है वो पर्टर्ब्ड है। अगर हैमिल्टोनियन पर्टर्ब्ड है तो आइगन स्टेट अनपर्टर्ब्ड होगी, अगर एनर्जी अनपर्टर्ब्ड है तो स्टेट पर्टर्ब्ड होगी यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, और अगर एनर्जी पर्टर्ब्ड है तो आइगन स्टेट आपकी अनपर्टर्ब्ड होगी। तो ये पर्टर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड का एक कॉम्बिनेशन सा है, बट इसको इस तरह से याद रखना शायद आपके लिए आसान हो। So, see you in the next lecture, and we will calculate this psi n1, psi en1, psi n2 and en2. ये भी हम अपने next lectures में calculate करेंगे, और फिर हम
फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन इन पर्टर्ब फॉर्म वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. थैंक्स फॉर योर टाइम.